हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वीडियो के टाइटल से एंड थंबनेल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। सो यस, आज मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ अमेजॉन होम डेकोर हॉल वीडियो। सो इससे पहले मैंने अमेजॉन का कोई भी होम डेकोर रिलेटेड हॉल वीडियो नहीं किया था। काफ़ी अदर किए हैं, कुर्ती हॉल, होम यूटिलिटी, होम स्टोरेज, इस टाइप के किए हैं, बट फर्स्ट टाइम मैंने अमेजॉन से होम डेकोर पीसेज मंगवाए हैं एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस के हैं। लाइक जो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अंडर 300 रुपीज़ है या 320 मान लो, इससे ज़्यादा कोई भी प्राइजेस नहीं है। मोर ओवर अभी तो अमेजन पे सेल चल रही है तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग भी शॉपिंग कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये सेल में नहीं की थी, मैंने काफ़ी टाइम पहले कर ली। एंड सबसे गंदी बात जो मुझे अमेजोन की लगती है कि इनके सेलर्स अलग अलग होते हैं, तो एक एक आइटम आता रहता है धीरे धीरे, तो बहुत टाइम लग जाता है उसके अंदर। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 20 डेज पहले सब ऑर्डर कर चुकी हूँ और मेरे पास अभी जाके पूरा सारा सामान आया है। सो यस गाइज, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। उनमें आपको कलर्स एंड वेरिएशन काफ़ी मिल जाएंगे अलग अलग भी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक क्यूट सा मिनी सा प्लांट। सी दिस, बहुत प्यारा सा ये मुझे पीस लगा था। ये आप काफ़ी जनों के होम डेकोर में देख चुके होंगे, ये मुझे भी लिटरली काफ़ी टाइम से मंगवाना था। इसका जो ये प्लांटर है ये मुझे बहुत क्यूट सा लगा। सी दिस, फुल वुडन का है और बहुत प्यारा सा शेप है इसका, और इसकी जो लीव्स है ऐसी बहुत प्यारी सी पत्तियां हैं इसके साथ। मोर ओवर ये ना इस तरह से निकल भी जाती है और आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो जहाँ पे आपको करना है, या आप अलग से कुछ फ्लावर वगैरह लाके लगाना चाहते हो बीच में आर्टिफिशियल, तो वो भी इसके साथ आप लगा सकते हो। एंड प्राइस है आई थिंक इसकी 300 समथिंग कुछ रुपीज़, तो एग्जैक्टली प्राइस मुझे नहीं पता है। वो जो भी रहेगा मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सो यस, ये इस तरह का है। साइज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी, इतना है अगर आप अपने कोई भी शेल्फ में रखते हो या अपने टेबल वगैरह पे रखते हो, डाइनिंग पे रखते हो, तो भी बहुत प्यारा लगेगा। सी, बहुत डार्क कलर भी नहीं है, बहुत लाइट कलर भी नहीं है, बहुत सोबर सा कलर है इसका। सी, एंड जो नेक्स्ट पीस है दैट इज़ दिस मिनी बुद्धा। ये बहुत क्यूट सा है। सी, इसको देखते ही मतलब सबका लेने का मन करेगा। बहुत प्यारी सी शाइन है इसकी, आप फिनिशिंग देख सकते हो, पास से देखो आप, बहुत प्यारी सी शाइन है इसकी। एंड इसकी साइज़ भी सफिशेंट है, लाइक इतना है ये। सी, तो ऐसा भी नहीं है बहुत छोटू सा पीस है, इतना बड़ा पीस है। आप इसको मतलब लाइक आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। एंड बुद्धाज ना घर पे होता है ना, बहुत प्यारी सी पॉजिटिव फीलिंग आता है। ये आप एक बार परचेज करके देखो, आपको खुद को अपने घर में ना पॉजिटिविटी लगेगी। तो ये चीज़ मेरे पास घर में और भी बुद्धाज आप देखते होंगे, मेरे बैकग्राउंड में अलग अलग बुद्धाज में कभी कभी लगाती रहती हूँ। लाफिंग बुद्धा भी है एंड ऑल। तो ये चीज़ इसके अंदर आपको ना बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। रेड कलर है, येलो कलर है, ये मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर के अंदर लिया है, तो डिफरेंट कलर के ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी है, शाइन बहुत अच्छी है इसके साथ। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसकी प्राइस बहुत नॉमिनल है, लाइक 300-350 रुपये तक का है सिर्फ ये। तो प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज एंड इसका शेप एंड जो साइज़ है उस अकॉर्डिंग ना मुझे बहुत प्यारा लगा ये। सी, तो ये है नेक्स्ट थिंग। एंड जो नेक्स्ट परचेज है दिस वन, एक मैंने ये बहुत हॉल वीडियोज़ में आपने देखा होगा दिस केज, और मुझे भी काफ़ी लोगों के वीडियोस में देख के ही मैंने इसको मंगवाया है। सारे वीडियोस में सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, मोरओवर ना इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। सी दिस, ये इस तरह से आप इसको हैंग भी कर सकते हो अगर कहीं पे आपको हैंग करना हो। मोरओवर आप अपने कहीं पे इसको डेकोर पीस के टाइम पे भी रख सकते हो। के साथ इस तरह की एक छोटू सी कैंडल मिलती है। सी दिस, एंड ये यहाँ से ओपन हो जाता है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तरह से हो जाता है, तो आप इसके अंदर ये कैंडल भी रख सकते हो, या अदरवाइज कोई छोटू सा आपके पास कोई डेकोर पीस हो, छोटू सा स्टैचू कोई हो, तो वो भी आप अंदर रख सकते हो, वो भी बहुत प्रिटी लगेगा इसके साथ। एंड मोर ओवर कोई छोटा सा प्लांटर हो इस टाइप का ना, वो भी आप रख सकते हो। तो मेरे मन में यही है कि मैं एक कोई छोटा सा प्लांटर इतना सा लेके आऊँगी आर्टिफिशियल, और वो इसके अंदर रखूँगी, तो ग्रीन प्लस गोल्डन बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। तो यस, ये इस तरह से आप हैंग कर सकते हो। गोल्डन कलर का इस पर कलर किया हुआ है, बाकी ये पूरा आयरन का है, इस तरह का कुछ है, बट यस टफ है, इस तरह से लूज नहीं है कि फटाफट से टूट जाएगा। ये केज भी बहुत प्रिटी है, लाइक इजीली आप कहीं भी रख सकते हो, हैंग कर सकते हो। अगर छोटे बच्चे हैं तो भी टूटने टाटने का कोई भी डर नहीं है इसका। एंड जो नेक्स्ट पीस है दिस वन, ड्रीम कैचर। मेरे पास घर में ड्रीम कैचर नहीं था अभी, एंड मुझे लेना था, एंड मुझे इस तरह का ना कलरफुल सा चाहिए था एक। सी दिस, इस तरह का बहुत प्रिटी से कलर है एंड इसकी शेप देखो आप, बनावट इसकी बहुत फाइन है। सी इस तरह का एक राउंड है, फिर छोटे छोटे से 3 राउंड आपको मिल जाते हैं, फिर अगेन इसके बीच वाले में आपको एक और राउंड मिल जाता है। तो बहुत सफिशिएंट है, इस तरह से आप वॉल पे रखाओगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा। सी दिस, इस तरह से आप वॉल पे हैंग कर सकते हो, आप अपने कर्टन्स के साइड में इसको हैंग कर सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो इसको। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम कैचर भी घर में होना चाहिए, ये भी कुछ वास्तु के हिसाब से अच्छा रहता है। कलर्स बहुत प्रिटी है इसके अंदर एंड इस पे बहुत सारी वेराइटी है। सिंगल कलर में आप चाहते हो लाइक ओनली पिंक, ओनली ग्रीन कलर, इस तरह के आपको मिल जाएंगे। बट मुझे ना इस तरह का ही लेना था, कलरफुल सा लेना था। सी ये भी आई थिंक 250 या 300 रुपीज तक का है। सी नेक्स्ट अगेन मैंने एक प्लांट लिया है, आर्टिफिशियल प्लांट, और ये मनी प्लांट है। सी दिस, इसकी लीफ आप देखो बहुत अच्छी है। एंड इसका ये जो प्लांटर है ये मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, मतलब पिक्चर में बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन आने के बाद मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा। बट ये इसके साथ ना आप कोई भी DIY कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ अलग लगा सकते हो या कुछ अच्छा सा कोटेशन लिख सकते हो। तो इस तरह से मैं इसके साथ कुछ करूँगी क्योंकि ये जो चीज़ है ये सिंपल से मुझे कम अच्छी लग रही है। और इसकी जो पत्तियाँ हैं ये बहुत अच्छी है, कलर वाइज बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको 3 से 4 वेरियंट मिलते हैं डिफरेंट लाइक डार्क कलर, थोड़ा सा लाइट कलर, जैसे मनी प्लांट के अलग अलग वेरिएशन आते हैं उसी तरह से आर्टिफिशियल प्लांट में भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे। इतना बड़ा आपको प्लांट मिलता है, सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना बड़ा प्लांट है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग एंड इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मोरओवर आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो, धूल वगैरह लग जाती है तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। और इसकी ये जो पत्तियां हैं ये भी निकल जाती है, तो इनको एक एक को आप निकाल के अच्छे से वॉश कर लो। एंड अगेन थर्माकोल है नीचे लगी हुई, तो अगेन यहाँ पे आप स्टिक कर सकते हो इस तरह से। See this is my next purchase and जो next है this one, ये मेरे पास आज ही आया है और मैंने इसको अच्छे से बहुत अच्छे से ये पैक होके आया था क्योंकि ये कांच का है अंदर ना, यहाँ से पूरा कांच लगा हुआ है। सी ये पीस भी मुझे काफ़ी प्रिटी लगा, थोड़ा सा मुझे मतलब पिक्चर में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था बट आया था बहुत छोटू सा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत डिसेंट है, लाइक इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये आप देखो यहाँ पे आप अंदर ना इस तरह से इसके साथ ये आया है। अगेन यहाँ पे कोई भी आप कैंडल वगैरह लगा के और यहाँ पे इस तरह से बंद करके रख सकते हो और अंदर कैंडल जलती रहेगी तो वो जो लाइट है उसके साथ ये रेड कलर बहुत खिल के आएगा। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रीन है, ब्लू है, बट मुझे रेड ही लेना था तो मैंने ये वाला पिक किया है। ये भी पूरा आयरन का है और इसकी क्वालिटी वाइज भी बहुत सही है। तो ये जितने भी है रेड कलर के सारे कांच है और ये आयरन का बना हुआ है। तो ये थोड़ी सी डेलिकेट सी चीज़ है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक भी कांच टूट गया तो ये पूरा खराब हो जाएगा। तो ये भी प्राइस वाइज बहुत ठीक है लेकिन थोड़ा सा साइज में मुझे लगा छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा होता तो और ज़्यादा प्रिटी लगता, बट ठीक है। मोरओवर इसको आप हैंग भी कर सकते हो, इस तरह से यहाँ से हैंग कर सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो, रखा हुआ भी बहुत प्यारा लगेगा। एंड जो नेक्स्ट पीस है गाइस दिस वन, कुशन कवर मंगवाए हैं मैंने। होम डेकोर के लिए आप कोई चीज़ मंगाओ और उसमें आप कुशन कवर ना मंगाओ तो मज़ा नहीं आता। तो ये मंगवाए हैं मैंने, 5 का सेट है ये, इस तरह से बहुत प्यारे से कलर्स हैं। एक आपको ओपन करके दिखाती हूँ मैं। सी दिस, बहुत प्यारे प्यारे से प्रिटी से इस तरह से 3D प्रिंट है इनका। एंड क्वालिटी वाइज यहाँ से जो जूट वाला कपड़ा आता है ना कुशन्स का जो नॉर्मली आता है वैसा ही है। और पीछे आपको इस तरह से यहाँ पे जिप मिल जाती है। सी तो आप अच्छे से कुशन्स रख सकते हो अपने। एंड ये दूर से देखो आप एकदम आपको 3D प्रिंट लगेगा। इसमें बहुत सारे कलर है, रेड है, देन येलो है, येलो तो बहुत प्रिटी लग रहा है। सी एंड देन थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन कलर है, ये भी बहुत प्यारा सा कलर लग रहा है इसका। सी एंड अगेन रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है ये, इस तरह से है। तो इसका जो 3D लुक है ना उसी की वजह से इसके कलर्स बहुत अच्छे से पॉप होके आ रहे हैं। एंड अगेन ये ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। ये आई थिंक 450 या 500 रुपीज़ तक का है। ये क्या है 5 पीस, तो ईच आप मान के चलो तो 100 रुपीज़ का है। तो 100 रुपीज़ में तो यार बुरा नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी चीज़ पीछे वाला जो कपड़ा है वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया और जल्दी से फट जाएगा। ये भी बहुत कैमरिक वाला कपड़ा है तो ईजिली नहीं फटता है वो भी। सो यस गाइज, ये था मेरा छोटू सा होम डेकोर हॉल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो जो भी प्रोडक्ट्स की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, बहुत सस्ते से प्रिटी से छोटू से आइटम है। सो यस, वीडियो अच्छा लगेगा इस तो लाइक ज़रूर से कर देना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।